अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज हमारे गांव में फिर से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और कल रात से ही बारिश हो रहा है। और कल मैं कितनी मेहनत से धूप में लिपाई की थी, लेकिन मेरा पूरा मेहनत बेकार हो गया। आप लोग देख सकते हैं, पूरा आंगन भी एकदम बारिश की वजह से कोड़ा जा रहा है। और दोस्तों, अभी पता नहीं कैसे हर 4-5 दिन में डेली ही बारिश हो रहा है। लगता है कि हम लोग का लिपाई बारिश को सूट नहीं आ रहा है, इसलिए जब भी लिपाई करते हैं तब भी बारिश हो जाता है। और कल रात से बहुत ही बारिश हो रहा है और अभी फिर से बारिश होना शुरू हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी बारिश रुक गया है और अभी हल्का हल्का धूप कर रहा है। और दोस्तों, अब लगता है कि दिन में बारिश नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा दिन में धूप किया हुआ है। तो इधर देखिए दोस्तों, मैं आग जला रही हूँ। रुकिए, मैं बताती हूँ कि मैं आग क्यों जला रही हूँ। दोस्तों, कल शाम को रोशनी के अबू अरहर का दाल लेके आए थे, तो उसी को मैं जा रही हूँ भूंजने के लिए। और दोस्तों, जो हम लोग के घर में चक्की है, तो उसी में मैं दाल बनाऊंगी इसको दरर के। तो पहले मैं इसको अच्छे से भूंज लेती हूँ। तो दोस्तों, अभी रहर का दाल बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया है। आपके तरफ रहर का दाल कितना रुपया किलो है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे तो दोस्तों, सभी सामान का महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये देखिए दोस्तों, दाल अच्छे से भुंजा गया है, तो इसको मैं थोड़ी देर धूप में सुखवा देती हूँ। और इधर देखिए दोस्तों, आज सासू अम्मा फिर से पपीता खा रहे हैं, क्योंकि हवा तूफान के वजह से एक पपीता गिर गया था और वो पपीता पक गया था, इसीलिए गिर गया। तो चलिए दोस्तों, आज घर में कुछ चटपटा खाने के लिए बनाते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि गोलगप्पा बनाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं सूजी को नाप लेती हूँ जितना मेरे को बनाना है, और इसमें मैं थोड़ा सा आटा मिला देती हूँ, और लगता है कि इतना में तो बन ही जाएगा हम लोग का गोलगप्पा। दोस्तों, मैं आटा को सान के छोड़ दी हूँ फूलने के लिए। तो दोस्तों, इधर मेरा दाल भी अच्छे से सूख गया है, तो चलिए इसको चक्की में पीस के दाल बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यही है हम लोग का चक्की, और कुछ भी दाल हम लोग को दररना रहता है तो हम लोग इसी में दरर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग कभी चक्की चलाए हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हम लोग के गांव में तो सभी के घर में चक्की है और सभी लोग घर में ही दाल बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा पूरा रहर का दाल बनके रेडी हो चुका है, तो चलिए इसको सूपा में उठा लेते हैं। और दोस्तों, इसको फटिक के अच्छे से साफ कर लेंगे, तो जितना भूसा रहेगा वो अलग हो जाएगा और दाल अलग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं दाल को अच्छे से फटिक चुकी हूँ और पूरा भूसा भी निकल गया है, तो चलिए एक डब्बा में डाल के इसको रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, दाल का काम तो अच्छे से निपट गया है, अब चलिए चलते हैं गोलगप्पा बनाने के लिए। तो मैं पहले बाहर वाला किचन को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो मैं आटा सान के रखी थी वो भी अच्छे से फूल गया है, तो इसको थोड़ा सा मैं और भी मल लेती हूँ। फिर दोस्तों, इसको मैं रोटी के जैसे बेल लूंगी, फिर गोलगप्पा के साइज में इसको ढक्कन से काट दूंगी। और दोस्तों, एक एक करके छोटा छोटा मैं बेलूंगी तो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा मेरे को, इसीलिए मैं इसको बड़ा सा बेल लेती हूँ, फिर ढक्कन से काट दूंगी। देखिए दोस्तों, ढक्कन से कितना अच्छा गोल गोल कटाया है, तो इसका गोलगप्पा बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए दोस्तों, और भी इसी तरीके से बना लेते हैं, फिर गोलगप्पा को छानना स्टार्ट करेंगे। और इसके ऊपर मैं हल्का गीला कपड़ा रख देती हूँ ताकि ये सूखे ना। तो ये देखिए दोस्तों, इधर एक ठो को तल के देख रहे हैं, ट्राई करके अच्छे से फूल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, गोलगप्पा तो अच्छे से फूल रहा है, तो चलिए जल्दी से सभी को अच्छे से बना लेते हैं। और लगता है दोस्तों, गोलगप्पा बनाने में काफी ज्यादा थोड़ा लेट हो जाएगा, तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं।
देखिए दोस्तों, हम लोग का गोलगप्पा कितना अच्छा बन रहा है। आज तो मज़ा ही आ जाएगा गोलगप्पा खाने में। देखिए दोस्तों, गोलगप्पा बनकर रेडी हो चुका है और हम लोग का गोलगप्पा बहुत ही अच्छा बना है, एकदम बाजार के जैसे। और आप लोग देख सकते हैं, एकदम अच्छा से फुला हुआ है, एकदम करारी करारी हम लोग का गोलगप्पा बना है। तो सिर्फ इसका मसाला बनाने के लिए बच गया है, तो चलिए अब मसाला बना लेते हैं, फिर पानी बनाएंगे। और दोस्तों, आज तो बहुत ही मजा ही आ जाएगा गोलगप्पा खाकर, और बहुत ही चटपटा खाने का भी मन कर रहा था, तो चटपटा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं आप। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आलू को पहले से ही उबाल दी हूँ, तो चलिए इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी और नमक मिला लेती हूँ स्वाद अनुसार। इसमें प्याज और हरा मिर्च और धनिया पत्ती डाल के इसका मसाला बना लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला बनके रेडी हो चुका है, अब पानी बना लेते हैं इसका, फिर खाएंगे। देखिए दोस्तों, पूरा गोलगप्पा बनके रेडी हो चुका है, और गोलगप्पा में खाने के लिए हम लोग इमली का पानी भी बना लिए हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा टेस्टी दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, मुंह में भी पानी आ रहा है कि कब जल्दी से हम लोग गोलगप्पा खाएं, तो अब खाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा कि आपके तरफ इसको क्या बोलते हैं, और हमारे तरफ तो हमारे तरफ तो इसको गोलगप्पा बोलते हैं और फुल्की बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको टेस्ट कराते हैं, फिर हम लोग भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। दोस्तों, हम लोग का गोलगप्पा तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा को मैं अकेली ही खा जाऊं। और दोस्तों, पानी इसका बहुत ही ज्यादा चटपटा है, तो गोलगप्पा खाने में और भी मजा आएगा। चलिए दोस्तों, अब किसी को सबर नहीं हो रहा है, तो बच्चे लोग को फिर दे देती हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी। दोस्तों, हम लोग का गोलगप्पा बहुत ही अच्छा बना है, और खाकर बहुत मजा आ रहा है। और इधर दोस्तों, मैं अलीजा के अम्मी लोग को भी बुला ले रही हूँ, और सासू अम्मा लोग को भी बुला ले रही हूँ, उन लोग को भी खा के देख लेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग सभी लोग गोलगप्पा खा चुके हैं, और बहुत ही अच्छा लगा गोलगप्पा खा के। और दो चार रोशनी के अबू के लिए मैं रख देती हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम लोग का नया दीवान पलंग आया है, और पहले का पलंग हम लोग का टूट गया था, इसको मेरी अम्मी हम लोग को गिफ्ट दिए हैं, तो आज रोशनी के अबू इसी पलंग को लेने के लिए गए थे घर। तो चलिए दोस्तों, पलंग का बहुत सारा सामान है, तो सभी सामानों को अंदर रखवा देते हैं, और आप लोग भी बताइएगा हम लोग का ये वाला दीवान पलंग कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, देखने में तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन घर जाके प्लास्टिक हटाकर देखेंगे तब पता चलेगा कि कैसे दिख रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोग का नया दीवान पलंग आपको कैसा लग रहा है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसको मेरी अम्मी हम लोग को गिफ्ट दी है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का दीवान पलंग कितना अच्छा दिख रहा है, और इसको मेरी अम्मी दी है, और काफी अच्छा लग रहा है, इसमें डिजाइन वगैरह भी है साइड साइड में। और दोस्तों, हम लोग का जो पुराना पलंग था वो भी टूट गया था इस बार लिपाई पोताई करने के टाइम में। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग के पास नया पलंग आ गया है, तो अब हम लोग इसी में सोएंगे, तो इसको जल्दी से पोंछ पाछ के सेट कर रहे हैं। और दोस्तों, सेट करने के बाद आप सभी को दिखाएंगे, तो आप भी बताइएगा कि हम लोग का नया दीवान पलंग आप सबको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से इसको सेट कर लेते हैं, फिर दिखाएंगे, आप वीडियो पे बने रहिएगा। अच्छे से सेट हो गया है, और इसमें सोने में भी बहुत ही मजा आएगा। और दोस्तों, बहुत ही लेट लगा हम लोग का दीवान पलंग सेट होने में, लेकिन अच्छा हुआ कि हम लोग का पलंग अच्छे से सेट हो ही गया। तो दोस्तों, पहले हम लोग का पुराना वाला पलंग इस तरफ था, तो इधर हम लोग का पलंग रखने के लिए नहीं बना दीवान पलंग, क्योंकि उधर थोड़ा सा ढलानू है जगह, तो इसीलिए हम लोग इधर लगा दिए हैं। तो इधर भी बहुत ही अच्छा हम लोग का पलंग का शो दिख रहा है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि हम लोग का नया दीवान पलंग आप सबको कैसा लग रहा है। जा रहे हैं सोने के लिए, और ये देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा लेट हो गया, अभी रात का 12:15 भी बज गया है, और खाना पीना खा के सोएंगे। और अभी मेरे को बिस्तर वगैरह भी बिछाना है, और बच्चे लोग भी सोने के लिए हो रहे हैं, तो उधर दादी के साथ सोए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज, बाय।